हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीटपुर में। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम को ट्रिक्स के द्वारा लर्न करेंगे, ठीक है। तो एनिमल किंगडम जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, जो कि हाईली वेटेड चैप्टर माना जाता है नीट के लिए, ठीक है। और इस चैप्टर को आप लोग काली रातों को बल्ब जला जला कर रखते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो 7th पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यही 7th पॉइंट मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, मेनली, ठीक है। और इसके एग्जांपल हम लोग को याद रखने हैं, ठीक है। तो जो थ्योरी है उसको हम लोग ट्रिक्स के द्वारा लर्न करेंगे, या ट्रिक्स बोलिए या समरी बोलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लर्न करेंगे आसानी से ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग जो एग्जाम्पल वाला ट्रिक्स है वो आगे वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनसीईआरटी बायोलॉजी डिस्कशन अपना चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं नीट बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक के डायरेक्ट लाइन से आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बायोलॉजी डिस्कशन को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को याद रखना है सिक्वेंस, ठीक है। सिक्वेंस याद रहेगा उसके बाद ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि इससे आसान कोई दूसरा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो मेनली प्रॉब्लम आता है बच्चों को किसमें, तो सीक्वेंस याद रखने में। सीक्वेंस जो फाइलम का है उसको ऑर्डरली हम लोगों को याद रखना है, कैसे, फर्स्ट नंबर पोरीफेरा, सेकेंड सिलेंट्राटा, थर्ड टीनोफोरा, फोर्थ प्लेटीहेलमिंस, फिफ्थ एस्केलमिंस, सिक्स्थ एनेलिडा, सेवेंथ अर्थ्रोपोडा, एट मोलस्का, नाइन्थ इकाइनोडर्माटा और टेंथ हेमिकॉर्डाटा और इलेवेंथ कॉर्डाटा, ठीक है। तो ये 11 फाइलम हम लोगों को पढ़ने हैं मेनली इस चैप्टर में। तो इस 11 फाइलम को हम लोग सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस ही उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस मेनली याद रखेंगे ये चैप्टर अपना आसान हो जाए। तो यहाँ पे एक वर्ड में मैंने अरेंज किया है सारे फाइलम को एक वर्ड के रूप में। तो देखिए यहाँ पे इस वर्ड को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ठीक है। इसमें मैंने उठाया है क्या, पोरीफेरा से पीओ उठाया है, ठीक है। उसके बाद सिलेंट्राटा से सीओ उठाया है, टीनोफोरा से टीनो उठाया है, प्लेटीहेलमिन से प्लेटी उठाया है, एस्केलमिन से एएस उठाया है, एनेलिडा से एएन उठाया है, अर्थ्रोपोडा से एआरटी उठाया है, और मोलस्का से एम उठाया है, इकाइनोडर्माटा से ई उठाया है, और हेमिकॉर्डाटा से एची उठाया है, और कॉर्डाटा का पूरा ले लिया है कॉर्डाटा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है बहुत ही आसान है। तो याद कैसे रखना है, इसको एक वर्ड के रूप में हम याद रख सकते हैं, एक वर्ड के रूप में। तो इसको पहले इरेज करते हैं और इसको एक वर्ड के रूप में क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो ये अपना इरेज हो गया, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है, याद रखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कर्सर पे, पो को टीनो प्लेटी, ठीक है, पोको टीनो प्लेटी। पोको रेडमी का मोबाइल आता है कंपनी है, ठीक है। टीनो थर्ड नंबर पे, टीनो फोरा और प्लेटी हेलमिन फोर नंबर पे। तो पोको टीनो प्लेटी, उसके बाद ए एस ए एन, ठीक है, आसान, ठीक है, ए एस ए एन आसान। उसके बाद ए आर टी आर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम फॉर मोलस्का, ई फॉर इकाइनोडर्माटा, एच ई फॉर क्या, हेमिकोडाटा, मी है, ठीक है, कोडाटा क्या, पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट में है कोरोडाटा, ठीक है, पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट में है कोरोडाटा, ठीक है, क्या, पोको टीनो प्लेटी आसान आर्ट में है कोरोडाटा। तो ऐसे हम लोगों को सीक्वेंस वाइज फर्स्ट जो लेटर है उसके ही बेसिस पे याद रखना है, ठीक है। कोई दूसरा क्या घसियारा वाला मेथड नहीं लगाना है, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूज भी हो जाइएगा, ठीक है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैसे, ये याद है ना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, पोरीफेरा, सेकंड पे सिलेंट्राटा, थर्ड पे टीनोफोरा, फोर्थ पे प्लेटीहेलमिन, फिफ्थ पे एस्केलमिन, सिक्स्थ पे एनेलिडा, सेवन पे अर्थ्रोपोडा, एट पे मोलस्का, नाइन पे इकाइनोडर्माटा, टेंथ पे हेमिकॉर्डाटा, इलेवन पे कॉर्डाटा। तो ये सिक्वेंस याद रखना है और इसका नंबर भी याद रखना है कि कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि फाइलम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर कौन है, पोरीफेरा। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल का, ठीक है। अगला टू थ्री, टू कौन है, सिलेंट्राटा,
और थर्ड कौन है, टीनोफोरा, इसमें आता है टिश्यू लेवल का बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी सारे में क्या आता है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल मीन्स के मेंबर में कुछ में ऑर्गेन लेवल भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, ऑर्गेन सिस्टम लेवल मानकर चलेंगे। ठीक है, अगला है इसी के बेसिस पे, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जो जर्म लेयर होता है वो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी जो बच गए वो कैसा होगा, ट्यूप्लोब्लास्टिक, बाकी सारे क्या है, ट्यूप्लोब्लास्टिक। और हम लोग जानते हैं कि पोरीफेरा क्या होता है, इसमें जर्म लेयर अब्सेंट होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट वन, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सारे ट्यूप्लोब्लास्टिक फर्स्ट को छोड़ करके। अगला सिमेट्री कैसा होता है, ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट तो पोरीफेरा में सिमेट्री अब्सेंट होता है, असिमेट्रिकल होता है। अगला है 2/4 सिलेंट्राटा, 3/4 टीनोफोरा और 9/4 इकाइनोडर्माटा। तो सिलेंट्रेट, टीनोफोर, इकाइनोडर्माटा ये कैसे होते हैं, इसमें सिमेट्री कैसा पाया जाता है, रेडियल। ठीक है, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा में, जबकि यहाँ पे याद रखना है कि इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। ठीक है, इकाइनोडर्माटा में रेडियल, जबकि उसके किसमें, लार्वा में बाइलेटरल। अगला है रेस्ट ऑल आर बाइलेटरल, ठीक है, इसके अलावा जो सारे बच गए वो कैसा है, बाइलेटरल। अगला पॉइंट है अपना फिशेज एम्फीबिया रेप्टाइल्स आर पाइक्लोथर्म्स एंड एव्स मैमल्स आर होम्योथर्म्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है उसे क्या बोलते हैं, पाइक्लोथर्म्स। पाइक्लोथर्म्स कौन कौन है, फिशेज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, और एव्स मैमल्स क्या है, होम्योथर्म्स है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है यानी कि कॉन्स्टेंट रख सकता है, तो हम लोग हैं और सारे बर्ड्स है। ठीक है, तो सिलोम, अगला पॉइंट है अपना सिलोम, तो सिलोम, सिलोम किसमें अब्सेंट है, ठीक है, और किसमें सीडो है, किसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1/4 में क्या होता है, सिलोम अब्सेंट होता है, जो सिलोम होता है अब्सेंट होता है पोरीफेरा सिलेंट्राटा टीनोफोरा प्लेटीहेल मीन्स तक। ठीक है, और बाकी सारे में क्या है, बाकी सारे सिलोमेट है, लेकिन एक याद रखना है फिफ्थ बोले थे एस्केल मीन्स, जिसमें सीडो सिलोम पाया जाता है, सीडो सिलोम। ठीक है, एस्केल मीन्स में सीडो सिलोम किसमें पाया जाता है, तो एस्केल मीन्स में, बाकी सारे कैसे सिलोमेट है। ठीक है, अगला है सेगमेंटेशन, ठीक है, किसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा 6, 7, 11 यानी कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट। ठीक है, इसमें तो 6, 7 और 11 में सिर्फ पाया जाता है सेगमेंटेशन, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट में। ठीक है, अब बाकी सारे में क्या होता है, अब्सेंट होता है, बाकी सारे में अब्सेंट होता है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, फाइलम मोलस्का में जनरली क्या होता है, सेगमेंट अब्सेंट होता है, लेकिन इसका एक मेंबर है क्या, नियोपिलिना, जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, फिर भी हम लोग याद रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम, किसमें प्रेजेंट होता है और किसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, और प्रेजेंट है तो क्या है, प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट रूप से प्रेजेंट या इनकम्प्लीट रूप से। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में पोरीफेरा में अब्सेंट है। ठीक है, सेकेंड टू फोर्थ याद रखना है, सेकेंड यानी कि सिलेंट्राटा टीनोफोरा प्लेटीहेल मीन्स में क्या है, इनकम्प्लीट है, और बाकी सारे में क्या है, कम्प्लीट है, बाकी सारे बचे हुए में क्या है, कम्प्लीट है। अगला सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है 1-5 में, किस किस में, तो पोरीफेरा से लेकर के एस्केल मीन्स तक। तो पोरीफेरा सिलेंट्राटा टीनोफोरा प्लेटीहेल मीन्स एस्केल मीन्स, ये सारे में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, और बाकी सारे में क्या है, प्रेजेंट है, बाकी सारे में क्या है, प्रेजेंट, एनेलिडा से कॉर्डाटा तक प्रेजेंट है। ठीक है, अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस में प्रेजेंट है और किस में अब्सेंट है, तो अब्सेंट है 1-6 में, 1-6 बोले तो पोरीफेरा से लेकर के एनेलिडा तक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट है, और बाकी जो बच गए सारे में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अगला है एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन किस ऑर्गेन के द्वारा होता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गेन क्या है, डिफरेंट फाइलम में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इसे भी हम लोग को याद रखना है। तो स्पॉन्जेज में जो एक्सक्रेशन होता है, ठीक है, और एक्सक्रेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, और जो फूड का गैदरिंग होता है स्पॉन्जोसिल के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो स्पॉन्जेज में स्पॉन्जोसिल के द्वारा एक्सक्रेशन होता है, और प्लेटीहेल मीन्स में फ्लेम सेल के द्वारा
एक्सक्रेशन होता है, और एनेलिडा में नेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रेशन होता है, और अर्थोपोडा में मलफिगियम ट्यूब्स के द्वारा एक्सक्रेशन होता है, और मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स के द्वारा क्या होता है एक्सक्रेशन होता है, और प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होता है हेमिकॉर्डेट में, और इसके ही द्वारा क्या होता है हेमिकॉर्डेट में एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को हम लोगों को क्या करना है नोट कर लेना है, ठीक है, और इसे क्या करना है याद रखना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो एनसीईआरटी बायोलॉजी डिस्कशन सीरीज चल रहा है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।